स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी सांस में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशंस करेंगे, उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, उसकी काजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस आर ब्रोंक्यूल, यानी कि इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजिश को। तो ये ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइटिस, यानी कि असल में ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई में होने वाली सूजिश है या सूज जाती है। उसके बाद सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स ये हैं, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स, ट्यूब्स में बहुत ज्यादा म्यूकस यानी पानी खारिज हो जाता है, ठीक है। उस जब हम सांस लेते हैं तो वो जो म्यूकस है उस वो खारिज होता है, तो नालियां उस म्यूकस से भर जाती हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पे स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्व्स एंड नैरोइंग, जो ट्यूबुलर वॉल्व्स हैं, ठीक है, जो हवा की नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, ठीक है, उनमें से हवा नहीं गुजर सकती, क्यों कि वो सूज जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। नंबर थर्ड पे कफ है, ठीक है, खांसी लग जाती है, फीवर बुखार हो जाता है, चिल सर्दी लग जाती है। इसके अलावा माइल्ड व्नीजिंग, यानी कि थोड़ी थोड़ी उसमें कपकपाहट भी आ सकती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और उससे सांस में जो है वो तंगी भी आ सकती है। इसके कॉजेस क्या हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या केमिकल इरिटेंट्स हैं, टोबैको स्मोक, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा जो केमिकल्स हैं जिस तरह तंबाकू वगैरह है, स्मोकिंग है, तो उनसे भी ये सांस की नालियां तंग होकर ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकती हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और दूसरी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये 2 वीक्स के लिए रहती है, यानी 2 हफ्तों के लिए जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो रहती है। पेशेंट रिकवर विद नो डैमेज, यानी कि पेशेंट खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, उसमें ज्यादा परमानेंट डैमेज कोई चीज नहीं होती, यानी कि उसकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज नहीं हो सकती। नंबर सेकंड पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये 3 मंथ टू 2 ईयर्स रहती है, यानी कि ये 3 महीने से लेकर 2 साल तक रह सकती है। इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि सांस की नाली में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उस वक्त होगी जब एक इंसान की उम्र 45 ईयर्स अबव, यानी कि 45 साल से ऊपर जो ब्रोंकाइटिस होगी वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगी। इसके अलावा अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो हमें सफाई रखनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, ऐसी फूड खाएं जिसके अंदर बैक्टीरिया नहीं हो, यानी बैक्टीरिया फ्री हमें खुराक खानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, एम्फिसीमा, ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस करेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई, यानी कि एम्फिसीमा में जो एल्वियोलाई की दीवारें हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद लार्जर सैक्स एंड लेस सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, उसके खला तो बड़ा हो जाता है, सैक्स तो बड़े हो जाती हैं, लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया है ना, जहां पे गैस एक्सचेंज होनी है वो जगह कम पड़ जाती है, लेस सरफेस एरिया बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एयर ट्रैप्ड इनटू द लंग्स, ठीक है, हवा फेफड़ों के अंदर फंस जाती है, ठीक है, ट्रैप्ड कहती है फंस जाना, ठीक है, तो हवा लंग्स के अंदर फंस जाती है, एंड लंग्स डू नॉट कम बैक इनटू ओरिजिनल पोजीशन, वापस नहीं आते, ठीक है, वापस नहीं आते। जो फेफड़े हैं वो वापस अपनी असली हालत में नहीं आते, यानी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर हवा फंस चुकी होती है। अगर हम इनकी सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस में तंगी हो जाती है, फेटीग थकावट हो जाती है, रिक्यूरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार यानी कि जो रेस्पिरेटरी है, यानी कि गैस एक्सचेंज के लिए जो जगह है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिया में हो गया, या उसके अलावा फेफड़ों में हो गया, लंग्स में यानी एल्वियोलाई में हो गया, ब्रोंक्यूल्स में हो गया, तो ये उसमें बार बार रेस्पिरेशन में यानी कि इन्फेक्शन हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं नालियों के अंदर। उसके बाद एंड वेट लॉस, और इंसान का जो वजन है वो कम होता चला जाता है, वेट लॉस होता जाता है। उसके बाद
एट द टाइम ऑफ एम्फिसीमिया पेशेंट लॉस्ट हिज लंग टिश्यू 50 to 70%। जब एम्फिसीमा की सिम्टम्स शुरू होती हैं, पता चलता है उस वक्त जो पेशेंट है उसके जो लंग टिश्यू है ठीक है वो 50 to 70% खत्म हो चुके होते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है कि इसको एम्फिसीमिया की बीमारी है या एम्फिसीमिया डिसऑर्डर है। उसके बाद जब ये टिश्यू लॉस हो जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल 100 डिक्रीज मे काज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो बहुत ज्यादा यानी कि इसमें सीरियस प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्यों? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है नमूनिया, ठीक है। डेफिनेशन नमूनिया की स्टडी करेंगे। इट इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी फेफड़ों में जो जख्म हो जाते हैं उसे नमूनिया कहेंगे। उसके बाद डबल नमूनिया, इफ इन्फेक्शन इन बोथ लंग्स आर कॉल्ड डबल नमूनिया। अगर जख्म दोनों फेफड़ों में हो जाए तो उसे डबल नमूनिया कहेंगे। तो नमूनिया के कॉजेज, ठीक है, बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया है जो नमूनिया काज करता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा काज करते हैं, ये भी नमूनिया है, यानी इन्फ्लुएंजा या फ्लू वगैरह हो जाता है। इसके अलावा फंजाई फंगल इन्फेक्शन है जो फंजाई की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। इसके अलावा सिम्टम्स, नमूनिया के कौन कौन सी अलामत हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उनमें फ्लूइड एंड पस इन लंग्स, यानी कि फेफड़ों में पानी या फ्लूइड भर जाता है। इसके अलावा पस या पीप भर जाती है, यानी कि पीप और फ्लूइड फेफड़ों के अंदर एल्विओले के अंदर भर जाते हैं, यानी फुल हो जाती हैं। इसके अलावा कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, हाई फीवर तेज बुखार हो जाता है, शिवरिंग थरथराहट यानी कांप कप कपाहट या कांपना भी उस पेशेंट को हो सकता है जिसको नमूने की बीमारी है, वो पेशेंट थरथराहट से या सर्दी की वजह से थरथराहट कांपना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कफिंग यानी कि उसको खांसी भी लग सकती है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ सांस में तंगी भी हो सकती है, यानी कि उसका सांस रुक रुक के आ रहा। इसके अलावा स्किन कलर बिकम डस्की और पर्पलश, उसका जो चेहरे का या जिस्म का जो कलर है वो जर्द पड़ जाता है, पर्पलश हो जाता है। इसके अलावा ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन इन ब्लड, उसके चेहरे का कलर जर्द इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कमी की वजह से उसका जो चेहरा है वो जर्द पड़ जाता है। इसके बाद नमूनिया की ट्रीटमेंट हम कौन सी करेंगे, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं इस नमूनिया के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रिवेंशन अगर पढ़ें तो प्रिवेंशन में वही चीज है, हमें ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए जो चीजें यानी कि ढांप कर ना रखी होंगी, हम उन चीजों को नहीं खानी चाहिए जो चीजें जिनके ऊपर मक्खियां बैठी हुई या ढांपी हुई ना हो, या ऐसी जगह जहां पे बैक्टीरिया और वायरस का फैलने का बहुत ज्यादा खतरा हो, तो हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, यानी कि हमें अपनी सफाई सुथराई हाइजीनिक का ख्याल रखना चाहिए।